अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आपके सामने एक एमसीक्यू है और ये अगर हम इसका जायज़ा लें तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर बेशतर इम्तिहानात आजकल एमसीक्यूज़ में की फॉर्म में होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बिल्कुल जानते हो और आपको के पास मुकम्मल मालूमात हो, लिहाजा कभी कभी आप अपने कामन सेंस से भी इस तरह कुछ कर सकते हैं कि इसको ठीक कर सकते हैं, या थोड़ी सी समझ इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको इसको देखें, इस पर गौर करें। सबसे पहले और जो एडवाइस है वो ये है कि सबसे पहले इस सवाल को आप पूरा पढ़ें। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यूज़ द मोर लाइकली यू आर टू डैश डैश इंफॉर्मेशन। ये खाली जगह ए बी सी डी से भरनी है, यानी या क्या है यूज़ को अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा करें वो अच्छा और इसको हटाएं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम अगर हम इस पे देखें कि ए बी सी डी में से एक ही ठीक होगा कि ए यूज़ ठीक है, ठीक है, मिस यूज़ ठीक है, या रिटेन ठीक है, इसमें की कौन सा है? तो की तो उन्होंने लाजमन उन्होंने दिया है कि डी सही है, रिटेन सही है। अब आप देखें कि ये बाकी तीन आप किस तरह अपने लिए ये आप किस तरह ख़त्म करेंगे, यानी आप अपने काम अपने लिए काम आसान किस तरह करेंगे। तो काम आसान करने के लिए आप पहले ये देखें कि आम तौर पे जो पॉजिटिव बातें होती हैं, जो मुस्बित बातें होती हैं, उसमें गैर मुस्बित, गैर संजीदा या गलत या नेगेटिव चीज़ें इसमें काबिल कबूल नहीं होती। मसलन जब जहन के ज़्यादा हिस्से काम करती हैं, अगर आप इसको समझते हैं तो किस तरह ये मिस होगा, मिस तो नहीं होगा, या मिस यूज़ किस तरह होगा, ये भी नहीं होगा। जब जहन के ज़्यादा हिस्से काम करते हैं इसका मतलब है कि इसके नताइज भी फ्रूटफुल होंगे, न कि नेगेटिव होंगे। लिहाजा यहाँ पे मिस और मिस यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ से गए। अब आप देखिए ये आपके पास एक यूज़ रह गया, एक रिटेन आपके पास रह गया। जब रिटेन आपके पास रहा और यूज़ रहा तो ये इसमें से आप कौन सा लेंगे? अब आप देखिए कि द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज़ द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन। अब अगर आप ज़्यादा हिस्से दिमाग के इस्तेमाल करें या कम हिस्से इस्तेमाल करें तो इंफॉर्मेशन को तो यूज़ करना है, वो तो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। अगर आप कम हिस्से इस्तेमाल करें तब भी आप इंफॉर्मेशन ही को यूज़ करें। फ़र्ज़ करें आप एक दरख्त को देख रहे हैं, उस दरख्त की इमेज को आप दिमाग में प्रोसेस करके आप कहते हैं कि ये एक दरख्त है या एक इंसान है, तो यूज़ तो आप पहले ही से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिटेन सही होगा क्योंकि रिटेन ही वाहिद लफ्ज़ है जो कि इस पे फिट आता है। यूज़ तो ऑलरेडी हो रहा है तो रिटेन इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में आसानी होगी, ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह से हर एमसीक्यू पर अपना नज़र रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।